प्रणाम महाराज। बोना जाओ कश्मीर राज्य की ओर से तुम ही आए हो। जी महाराज। कहो हमारे लिए क्या संदेश लाए हो? अगर कोई हंस रहा हो अपना नाम और रहने का मुकाम बतलाओ। महाराज मैं स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। लिखना मंजूर नहीं। होनी के कौन चक्कर ने तेरी अकल पे पर्दा डाल दिया है और सोच विचार कांच तेरे भीतर से निकाल दिया है। अरे नई शक्ति की तुझमें, तुम मेरे पास आता तेरा बहुत दिन मौत का बदला उसे जल लेके दिखाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझको बदला दिलाने की। हे लवर कोई तबीज कर पहले तू अपनी जान बचाने की। बोलो ना जो मुफ्त में जान खाए हैं तेरे जैसे बच्चे और तुझ मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद जय जिस आप में परंतु अब तो अकल मारी गई महाराज आपकी बुढ़ापे में। जुबान गलत और आप जाहिल जो इतनी बकबक लगाई है किस किस बेरकों में तुझे अकल सिखाई है? अकल अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के खा किस लंका में कुछ होना है। ओरों के घर के झगड़े हे रावण न छेड़ तू तुझको पुराई क्या पड़ी पहले अपनी नबेड़ तू। निश्चय ही तू सच्चा है क्योंकि अभी तक तू बच्चा है इसलिए तेरे सामने उस राम से बढ़कर कोई मौजूद नहीं। क्या तू अंगद जो लोग सारी दुनिया में अंगद तेरे जैसे कपूत नहीं और मैं रावण हूँ। रावण लंकाधिपति रावण राक्षस रावण। महाराज मैंने कितनी ही बार ये नाम अपने इन कानों से सुन रखा है अब आप भी मुझे बताएं कि इन भिन्न भिन्न रावणों में से आज कौन से रावण है? एक रावण वह था जो पताल में महाराज बाली जी को जीतने गया था परंतु वहां पे उसे छोटे छोटे बच्चों ने गुरशाला में बांधकर इतना पीटा था कि खुद महाराज बाली जी ने उनके ऊपर दया कर उन्हें छुड़वाया था। और एक रावण के मारे मैंने सुना है कहते हैं सहस्त्र बाहु ने उसे जंतु की भांति कीड़ा समझकर पकड़ लिया था और मुनि पुरस्त जी ने उसे छुड़वाया था। और एक रावण के बारे में कहते हुए मुझे संकोच होता है कहते हैं मेरे पिता महाराज बलि उन्हें अपनी कोख में रखकर पूजा किया करते थे। महाराज अब आप भी मुझे बताएं कि आप इन भिन्न भिन्न रावणों में से कौन से रावण है? अरे महाराज हम वही श्री श्री एक हजार के ज्येष्ठ पुत्र दशानन दशकंदर राक्षस राज लंका नरेश रावण है जिसके चलने मात्र से धरती धोती ऐसे ढकमकाती है जैसे उसमें कोई राक्षस सवार हो। हम वही राक्षस राज दशानन लंकेश रावण है जिसकी शक्ति की कठोरता को दशों दिशा के गज जानते हैं जिनके दांत हमारी शक्ति से टकराकर चकनाचूर हो गए। हम वही विषम प्रसिद्ध राक्षस राज लंका नरेश रावण है जिनकी बल भुजाओं को स्वयं महादेव ने माना है और तू मेरे सामने उस दुष्टान की बातें कर रहा है। अरे मूर्ख हमें गाल से गाल बजाना नहीं आती हमारा पराक्रम तुझे देख लज्जा नहीं आती इसलिए चोर कामी बेअकल पखंडी सुन मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना में निर्भर इंसान हूँ और मैं तुझे अपनी शक्ति का पराक्रम दिखाता हूँ। मैं अपना पांव इस भूमि पर जमाता हूँ
यदि तेरा कोई भी बहादुर मेरा मेरा पाव जाएगा तो हम माता जानकी जी को हार जाएंगे। अन्यथा रावण यदि तेरा कोई भी बहादुर मेरा पाव ना उठा सका तो तुम माता जानकी जी को आदर सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास छोड़ कर आओगे। कहो रावण मंजूर है? मंजूर है। बाली का मैं चोकड़ा अंगद है मेरा नाम, यदि है किसी में हिम्मत उठा के बताओ मेरा पाप। बस एक खड़ा है सामने तेरे रावण अंकल, यदि अपना प्रण हो अभी निभा ले तू, यदि कोई बाकी रहा हो तो उसको भी बुला ले तू, है बच्चा अंगद यही खड़ा बुला ले तू। अरे बोला क्यों चाची की तरह जुबान चला रहा है और इस दुष्पाप के लिए ये सारे का सारा जमाना यूं सर पे उठा रहा है। हाँ अपने सारे का सारा यार लगा ले और अपना पाव छीट रहे इस जमीन पे जमा ले। मैं अभी तुम्हारा सारा अभी मांग तो होता हूँ। बस बस बनकर क्यों अनजान तू अज्ञान के पथ पर है चला, पाँव छूने से मेरे होगा नहीं भला तेरा। काम बेहकर जिसे निकले सकल कुछ आराम की, चाहता है मोक्ष तो शरण ले श्री राम की, जान ले करुणा प्रभु की लोगों का कल्याण है। अन्यथा अब हमारी ओर से युद्ध का ऐलान ही ऐलान है। हे रावण मेरे पाँव पड़ने से तेरा कसूर माफ नहीं होगा, अगर अपने किए पे पश्चाताप है तो अभी हाथ जोड़ दे और प्रभु रामचंद्र जी की शरण में चला जा, वे तेरा कसूर अवश्य माफ कर देंगे। अरे ओ पुष्टन अखंड प्रशन अखंड थोर चमन और अपमान करे लंकाधिपति राक्षस राज रावण का दोत जा जय तजा तुम भाग तजा एक को ही ना जाना। तू ही बता क्या खेल है क्या ये अंधो धंधो शब्द शब्द प्राप्त हो दूर आया। अरे रावण बच कर, यदि तुझे अपनी तलवार पे इतना भी माल है तो हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है। चलो युद्ध का ऐलान करने वाला तू अपने आप में कौन होता है? युद्ध का ऐलान रावण करता है क्योंकि रावण सबका बाप होता है। बस।